पति ने चिढ़ाया तो पत्नी ने कर दी हत्या, पत्थर से सिर पूछा फिर चेहरे पर चाकू से किया वार, रची लूट की झूठी साजिश, झांसी में एक पति को अपनी पत्नी से मजाक की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी, मामूली विवाद में महिला को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने पति का सिर पत्थर से कूद दिया, इसके बाद भी वह नहीं रुकी, किचन में गई और चाकू से अपने पति के चेहरे पर 4 बार वार किया, इसमें हमले में उसके पति की मौत हो गई। झांसी की भरद्वारा गांव में रहने वाले राम सिंह का अपनी पत्नी रेखा से मामूली बात पर विवाद हुआ था, इसके बाद राम सिंह ने मजाक में अपनी पत्नी रेखा से कह दिया कि अगर तुम ऐसे ही झगड़ा करोगी तो मैं दूसरी औरत को घर ले आऊँगा, इसी बात पर दोनों में विवाद हो गया, जिसके कारण पति पर हमला करने के बाद रेखा भागकर अपने ससुराल पहुंची। उसने ससुराल वालों से कहा कि कुछ युवक लूट के इरादे से घर में घुसे थे, उन लोगों ने राम सिंह को मार दिया। यह सुनते ही सभी लोग राम सिंह के घर पहुंचे, लहूलुहान हालत में राम सिंह को अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसकी मौत हो गई। रेखा की तहरीर के आधार पर पुलिस ने शिकायत दर्ज की, पुलिस ने घर की तलाशी ली जहां सारा सामान अपने जगह पर मिला, जिसके बाद शक की सुई रेखा की तरफ घूम गई। पुलिस ने रेखा से सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी, उसने पूरा सच बता दिया। रेखा ने पुलिस को बताया कि उसका पति शराब पीने के आदी था, दूसरे गांव की महिला से उसकी दोस्ती थी, वो उसका नाम लेकर मुझको अक्सर परेशान करता था, मुझे शक था उसका अफेयर चल रहा है, तभी उसके मजाक करने पर उसको मार दिया। वहीं गरौटा सीओ आवा सिंह ने बताया कि रेखा का पत्थर और चाकू बरामद कर लिया गया है, मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।